नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का मुद्दा हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर लिए हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका नाम जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में सामने आ रहा है और फिलहाल उनका कहना है कि हम राहुल गांधी को मना लेंगे और अध्यक्ष वही रहेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी हैं। सत्य जी, आपका क्या राय है इस पर, जो कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो इतना माथापच्ची चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद ये एक ऐसी मुसीबत हो गई है कि जो कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ये गहलोत बोलेंगे हाँ चलो मैं हो जाता हूँ, तो पूरे देश में कम से कम 100 कांग्रेस वाले ऐसे निकलेंगे, 100 और बड़े नेता, कि जो बोलेंगे गहलोत कौन है, राजस्थान का नेता है, इसका इधर क्या ऑल इंडिया पार्टी का कुछ उसका लेना देना है, उसका कुछ इमेज है, उसके नाम पर एक वोट भी बाहर राजस्थान के बाहर पड़ सकते हैं, तो इसको क्यों बना रहे, हम इसका विरोध करते हैं, हमको गांधी छोड़ के कोई नहीं चाहे। 100 लोग बोलेंगे भाई, किसी का भी नाम आएगा गांधी के परे, प्रियंका, राहुल और सोनिया जी के परे कोई भी नाम आता है तो वो खुद ही जानता है। गहलोत ने क्यों बोला कि मैं उनको मना लूँगा, मैं नहीं बनूँगा, हर एक ने जिसका जिसका नाम आया उसने बोला है नहीं मैं बनूँगा, वही बनेंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी जो है ना वो ठीक है, वो सदस्य संख्या करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, संगठना है, सब है, मगर वो एक जैसे हमारे अंबानी और अदानी का एक बड़ा नेटवर्क रहता है, वैसा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का नेटवर्क बन गया है। अभी गांधी परिवार के परे कांग्रेस वालों को कुछ दिखता नहीं है, और अभी देखो ना कब से चल ही रहा है, नेहरू जी के घराने से लेके इंदिरा गांधी हो गई, ये हो गए, तो वहाँ पे वो दूसरा कोई नाम लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा इनको ही लगता है जी, इसके लिए वो लेना है। और दूसरा ऐसा है कि मनमोहन सिंह पंतप्रधान बने, मजबूरी से इन सोनिया गांधी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये शरद पवार ने जो आग लगाई कि वे फॉरेनर है, वो बाद में बहुत भड़क गई, उनको भी पता नहीं था कि इतनी भड़केगी आग, उन्होंने तो अपना बहाना ढूंढा बाहर निकलने का, मगर उसके मंत्रिमंडल में भी गए मनमोहन के बाद में, वो बात छोड़ो, मगर उन्होंने जो आग लगाई कि ये फॉरेनर है, तो सोनिया जी असल में जाके राष्ट्रपति को मिली थी कि मैं बनना चाहती हूँ, आपकी राय क्या है, तो राष्ट्रपति ने उनको बोला कि भाई देश में अभी एक राष्ट्रवाद की भावना बहुत है और अपोजिशन वाले जो है आपका ये फॉरेन होना स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप मत होइए करके उन्होंने मनमोहन सिंह जो उनके आज्ञाधारी एक प्यून थे उनको बनाया, बुद्धिशाली प्यून था मगर प्यून नहीं था उनके लिए, वो तो उसको बनाया, और उसके देखो ना उनको कभी कोई स्वातंत्र्य नहीं मिला, सब इनकी ही डिक्टेशन में, सोनिया जी की और राहुल की डिक्टेशन में, यहाँ तक सर अपमान तो ऐसा है कि गहलोत ने भी इनकार कर दिया कि मैं नहीं बनूँगा, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई हमको थोड़ा कांग्रेस का अध्यक्ष करके कोई सम्मान मिलने वाला है, हमको तो अपमान ही झेलना है, उल्टा ऐसे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री इंडिपेंडेंट है, कहीं इनके छोटे मोटे काम आएंगे, थोड़े पैसे के काम आएंगे, उनको कुछ पैसा लेना देना होगा, उसके लिए फ़ोन करेंगे, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो उनका तो हर इसके ऊपर अपमान होगा। अभी मनमोहन सिंह पंतप्रधान थे उस समय, राहुल गांधी ने उनका मंजूर किया हुआ जो ठहराव था उसकी कॉपियां फाड़ के फेंक देने, क्या इज्जत रही मनमोहन सिंह जी की, कुछ नहीं ना। और ये ऐसे ही है, ये जो गांधी परिवार है वो अपने धुन में मगन रहता है और हम जो चाहेंगे होगा, और उनको एक ऐसी ये है नशा है कि हमारे बिना कांग्रेस नहीं चलेगी, हम नहीं तो तुम नहीं। तो सर कांग्रेस की भविष्य क्या है, भविष्य बनाने के लिए क्या करेंगे? भविष्य ऐसा है कि जो गांधी घराने का भविष्य रहेगा वो इनका भविष्य कांग्रेस का भी देश में रहेगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि कांग्रेस वाले भी सोचेंगे कि भाई ये ना खुद बनते हैं ना किसी को बनने देते हैं जी, और बेचारी सोनिया जी इतनी बीमार है, इतनी बीमार है, इतनी बीमार है कि वो कैसे भी करके बेचारी चलती है, फिरती है, कुछ बात करती है, मगर ये अपना राहुल बाबा जो है वो एकदम क्या लेजी फेलो है, उसको कुछ जवाबदारी नहीं लेना है, खाली दादागिरी करना है, अभी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है या कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहा है, अच्छी बात है पदयात्रा कर रहे हो तो भाई एंड में जाके अध्यक्ष बनो ना, पूरे देश में तुम मेहनत कर रहे हो जाने का, पैदल जाने का, एक तो पैदल जाना सर मूर्खता है आज के ज़माने में, आप गांव में जाएंगे तो पैदल जाओ वो ठीक है, अभी किलोमीटर तो कोई आसपास आदमी नहीं है और पै 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 करके चलेंगे, इसमें क्या मतलब है, मूर्खता है ये, पदयात्रा क्या होनी चाहिए कि भाई गांव आ गया आप उतरो,
पैदल चलो, लोगों से बातें करो, लोगों से मिलो। तुमको पेड़ पौधों से बात करना है क्या? पदयात्रा क्या कर रहे हैं? और इस तरह से पदयात्रा का कोई महत्व लोगों को भी नहीं लगता है। लोग बोलते हैं मूर्ख है, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ 10 किलोमीटर ऐसे ही चल के आया काय के लिए? गाड़ी में बैठो, रिलैक्स हो जाओ, फिर गाँव में जाओ, फिर पदयात्रा करो। पदयात्रा का मतलब वो अभी आमरण उपोषण का ऐसा ही मजाक होता है कि लोग आमरण उपोषण करके बोलते हैं और इसका पानी लेते हैं तुम्हारा ग्लूकोज का। तो वैसे अभी अन्ना हजारे का तो 100 उपोषण पूरे हो गए, आमरण 100 के 100। अभी तो ये हो जाता है। तो ऐसा ही इनका ये, ठीक है आप पदयात्रा कर रहे हैं तो आखिर में जाके कांग्रेस के अध्यक्ष बनो। वैसे भी आपको अभी भी कुछ करना नहीं है और तभी भी कुछ करना नहीं है, तुमको सत्ता तो मिलने वाली है नहीं। तो तुम कम से कम, तुम्हारा एक ये रहेगा कि भाई है एक गांधी है उधर, इतना तो रहेगा। मगर वो ऐसे नाम आते हैं सर, अभी इसका आया है ना, और 4-5 नाम आ जाएंगे, सब बोलेंगे नहीं बाबा ये नहीं, नहीं ये पनौती है कांग्रेस का अध्यक्ष पद, तुम ही संभालो। और अगर राहुल गांधी ने ये सब पदयात्रा करने के बाद अगर बोला कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, तो लोग बोलेंगे ठीक है, फिर प्रियंका को पूछेंगे, वो बोली नहीं मैं भी नहीं बनूंगी, तो बोलेंगे मैडम को कि भाई मैडम आप कंटिन्यू कीजिए, अभी क्या करेंगे, हमारे यहाँ गांधी परिवार का नाम होना चाहिए तभी ये कांग्रेस कांग्रेस रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। और गांधी परिवार के साथ इसका कांग्रेस का अंत निश्चित है, मगर गांधी परिवार का अंत नहीं होगा, क्योंकि वो है सब। और वो अभी ऐसा है कि ये हमारे राहुल बाबा ने शादी नहीं की है, उसके लिए उसको बेचारे को कोई बाल बच्चे नहीं है, नहीं तो उनको भी पंतप्रधान पद की लाइन में हम कंसिडर कर सकते थे कि भाई इसके बाद ये होगा, ये ही बीच में नहीं हो रहा है। मगर प्रियंका का जो ये है वो कुनबा, उसमें पहले प्रियंका को कुछ होना पड़ेगा, वो भी तैयार नहीं है, उसके सर पर वो बोझ है अपना उसके हस्बैंड का, इसके लिए वो भी नहीं कर पा रही है। तो कुल मिला के ऐसा है कि गहलोत बहलोत कुछ नहीं बनेंगे, शायद हो सकता है कि राहुल गांधी को ही ये लोग मनाएंगे कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष और अपॉइंट करो, तुम कुछ मत करो, बैठे रहो, आराम करो, हम तुम्हारे नाम से कांग्रेस चलाएंगे। वैसा वो चलता रहेगा, मगर संभावना नहीं है कि गांधी के बाहर का कोई बनेगा, लोग विरोध करेंगे, उनके ही लोग विरोध करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत जी का नाम आ रहा था सबसे आगे, उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।